नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनेंगे असदुद्दीन ओवैसी? विधानसभा चुनाव के द्वार पर खड़े उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी जौनपुर का नजारा देखकर हर किसी के उड़ गए होश। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में हर तरफ चुनावी चर्चा और रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज 25 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी एवं जौनपुर में राजनीतिक पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिसुल इतिहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी के दौरे में जमा हुई प्रचंड भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को बेहद गर्म कर दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा वर्तमान में सत्ता में है और सबसे दमदार राजनीतिक पार्टी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए सत्तारूढ़ भाजपा व दूसरे विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। एक और दमदार नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हालांकि अभी बेहद पीछे है, लेकिन तब भी बहुजन समाज में आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रही है। इन सभी के अलावा और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस चुनावी समर में किसी का खेल बनाएगी तो किसी का खेल बिगाड़ सकती है। इन सब के बीच एक पार्टी जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा है, वह पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज वाराणसी और जौनपुर पहुँचे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत के इस वीडियो को देखकर ही ओवैसी और उनकी पार्टी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस तेज़ी से मुस्लिम वोटर ओवैसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उससे आने वाले चुनाव में ओवैसी की बड़ी भूमिका रहने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इन सब के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल पैदा हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनेंगे? देखिए वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज़ लाइव। यही चीज इनको पसंद नहीं है। और हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे, जब NPR NRC होगा तो मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ाना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। बोले चाहे बदलाव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।